गाइस, गुड इवनिंग और शाम को मिल रही हूँ मैं डायरेक्टली। एक्चुअली सुबह बोल रही थी ना कि मंदिर जाऊंगी, तो लंच वंच कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट वेस्ट करा और उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी। सिंपल सा ड्रेस पहनी हूँ, ये सूट पहनी हूँ और सिंपल सा जा रही हूँ मंदिर के लिए, इसलिए मैंने सिंपल सा पहना है। और चलो निकल रही हूँ मंदिर के लिए। मयंक शेखर जी सब रेडी है, सब ऊपर से अभी उतरेंगे। मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आज फटाफट सबसे पहले रेडी होगी। और ये वाली बैग आप लोगों को तो याद ही होगा कि शेखर जी दिए थे मुझे मेरा हम लोगों का एनिवर्सरी में। तो चलो मैं हूँ रेडी फटाफट। मैं फिर भी एक बार दिखा दूँ, ये ऐसे सिंपल सा कुर्ता है और बस ऐसे ही रेडी सिंपल सिंपल, ज्यादा क्योंकि मंदिर जा रही हूँ ना, ज्यादा तामझाम नहीं। और चलो निकलती हूँ। चलो हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, साथ में हम लोग रेडी है, तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए। और ये ब्लॉग कल वाली ब्लॉग की कंटिन्यूटी है, इसलिए पहले ही आप लोगों को कंटिन्यू मिला। और कल वाली ब्लॉग जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके आई बटन में चेक कर लीजिए वो लोग, तो देख पाइएगा। कल आज सुबह में बहुत अच्छा एक भिंडी का रेसिपी मैंने बनाया, और जो लोग नहीं देखे उन लोग के लिए बोल रही हूँ, और बहुत प्यार मिला उस रेसिपी को। तो बाय द वे अभी चलो, अभी ना बहुत लेट हो गया। एक्चुअली हम लोग 3:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन काम घर का तो ख़त्म होते नहीं है, तो बस वही काम करते करते थोड़ा मेरा लेट हो गया। अभी 4:30 के ऊपर हो रहा है, तो फ़ोन करके हम लोग बोले थे कि हम लोग थोड़ा लेट आ रहे, तो आगे का जो जो परफॉर्मेंस है वो सारे हो रहे थे। और मयंक यहाँ पे पूरी तरह से रेडी है, नर्वस था थोड़ा सा बच्चा मेरा, पहली बार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। आगे वो ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मजाक मस्ती कर रहे थे हम और शेखर जी, ये हम लोग में ना हमेशा चलते रहता है, क्योंकि हम लोग ना सबसे पहले फ्रेंड थे, उसके बाद हम लोग शादी के बारे में सोचे, तो ये बहुत लंबा कहानी है, कभी बाद में फुर्सत में सुनाऊंगी। तो बस हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे मयंक को आज कुर्ता पजामा पहनाई, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस है ना, तो उसको ही लुक बेटर, मतलब ऑथेंटिसिटी जो एथनिक लुक होता है वैसा होना चाहिए। और देखिए आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। जो लोग कोलकाता में रहते हैं मुझे देखते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे, अगर आप लोग इस तरफ आए हो, मतलब श्याम बाजार का जो ब्रिज है उस तरफ अगर आप लोग आए हो, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रिज का ऊपर अभी कितना खूबसूरत कर दिया है। और शाम में तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि स्वेटर निकाल लूँ, लेकिन आसमान मतलब शाम जल्दी हो जाता है, 4:30 के बाद ही शाम होने लगती है, शाम ढलने लगती है, दिन छुपने लगता है, और आसमान इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों के साथ तो ये शेयर करना बनता है जी। आज कुछ खास मैं रेसिपी इसमें दिखाने वाली नहीं हूँ, इस वाली ब्लॉग में कुछ रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैं रेसिपी दिखा चुकी हूँ, ये सेकंड वाली पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ठाकुर बाड़ी मंदिर में, सब कोई आया हुआ था, आधा परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो गया था, और यहाँ पे कुछ गाने वाने का परफॉर्मेंस चल रहा था। हाँ जी, सब उम्रदार आए हुए थे, बहुत मतलब कम थे जो यंग एज के थे, और सभी मतलब ये सब ना जोगी संघों का जो मेंबरशिप होता है, ये सब मेंबर है, योगा टीचर है कोई फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो ही लोग का कल्चरल प्रोग्राम था एक्चुअली, और उसी का चलते तो सबको ही आया हुआ था, और बहुत हम लोग इन्जॉय किए। सच में इतना अच्छा से प्रोग्राम हुआ, और यहाँ पे भगवान जी का फ़ोटो में माला लगाया गया था, जो श्री श्री ठाकुर का फ़ोटो है, जो आप लोग मेरे घर में भी देखे हो। और ये देखिए, इन सब पीछे आप देख रहे हो ना, ये सब फिजियोथेरापिस्ट है और कोई योगा टीचर है, सब मतलब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, और आपको मैं ना बहुत अच्छा, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे, सच में बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे, और सब
तो बस यहाँ पे मयंक का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। मैं सुना इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि पीछे बॉक्स बज रहा था और इससे कॉपीराइट इश्यू आ सकता था, तो इसीलिए मैंने नहीं सुनाया आप लोगों को। और बस मयंक परफॉर्मेंस देने लगा था, यहाँ पे बोल रहा था, वो एक्चुअली पोएम बोल रहा था, वही उसका था कि दो दो पोएम उसको बोलना है, तो वही बोल रहा था। तो सब मन से सुन रहा था और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैं क्या ही बोलूँ, मैं सुना नहीं सकी, उसलिए आई एम सॉरी। और इसके बाद ये छोटी वाली बच्ची थी, वो गाना गा रही थी, उसका भी परफॉर्मेंस था। ये एक्चुअली स्टूडेंट है यहाँ का, योगा स्टूडेंट, और बहुत अच्छे से। और उसके बाद देखिए कितना चुलबुली थी और इतना चटर चटर बात कर रही थी, सच में जो भी पूछो इंस्टेंट जवाब दे रही थी। और मयंक तो मतलब बोल ही रहा था, मम्मा क्या बोल रही है, और तो मतलब बोली जा रही है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था सुनने में। मैं सोची थी कि आप लोगों को सुनाऊं, शेयर करूं, लेकिन पीछे में इतना जोर जोर बॉक्सेस का आवाज़ आ रही थी ना, तो इसलिए मैंने और नहीं सुनाया। अच्छा, इनको मैं दिखा रही हूँ, शी इज 62 एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी, एंड शी इज़ अ योगा टीचर एंड बहुत अच्छा से योगा का परफॉर्मेंस दी। पूरा परफॉर्मेंस तो मैं दिखा नहीं पाई थी, आधा ही थोड़ा सा ही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। Hey guys, just now अभी हम लोग घर पहुंचे, मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, लेकिन आज डिनर कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मयंक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन एक्चुअली एक्सपेक्टेशन के बाहर दिया है परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए शेखर जी बिरयानी लेके आए बेसिकली, तो हम लोग आज बिरयानी सेलिब्रेट करेंगे। लुक एट दिस, तो मयंक का फेवरेट है बिरयानी, तो हम लोग सोचा कि बच्चा इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बाय द वे, मैं पूरा नहीं सुना सकी क्योंकि कॉपीराइट इश्यू आ जाता, क्योंकि पीछे बॉक्स बज रहा था, इसलिए मैंने नहीं सुनाया, लेकिन माइंड ब्लोइंग, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। चलो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा बिरयानी एंजॉय करें, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो दिस इज आवर डिनर, ये हम लोगों का आज का रात का डिनर है, मटन बिरयानी, और बस उसके साथ कुछ नहीं, बस ये ही डिनर है और बहुत डिलीशियस भी है। हे एवरीवन, अभी रात का 12 बज रहा है। एक्चुअली हम मतलब बिरयानी खाए, बहुत एंजॉय किए, थोड़ा सा बातें बातें करते करते होता है ना कि लेट हो जाता है, मैं खुशफुसा रही हूँ क्योंकि मैं दिखाऊँ, ये देखो किचन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया है, किचन की क्लीनिंग करी थी ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। और उसके साथ बातें बातें करते करते मैं घर ही, एक्चुअली हम लोग आए 10 बजे के बाद, उसके बाद डिनर विनर लिए, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, तो मैंने सोचा कि अरे मैंने तो ब्लॉग एंड ही नहीं किया, तो बस सोने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग एंड नहीं किया, मैं ब्लॉग को आज एंड कर देती हूँ यहाँ पे। मैं खुशखुशा रही हूँ ना क्योंकि मैं कौशिक जी सो रहे हैं और घर में सब कोई सो गया है, सिर्फ मैं अकेली मंडरा रही थी, काम कर रही थी, तो मतलब किचन विचन क्लीन कर रही थी और कुछ नहीं, बहुत टायर्ड हूँ, इसलिए बस मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी पसंद आए, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आप लोगों का फैमिली बनेगा, यूट्यूब फैमिली। तो चलो, और चैनल में नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई ब्लॉग। चलिए इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज बॉर्डर कुड मी ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।